एक आईस कैसे हो, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग मेरा कुछ इस तरह का है। सुबह के नाश्ते से स्टार्ट करूँगी और मैं ये देखिए सुबह के नाश्ते में क्या बनाने जा रही हूँ। आलू के पराठे बनाऊँगी, सब कुछ आलू मिक्स कर लिया है। और ये पहली बार मैं इस मिर्च के पकोड़े बनाऊंगी, इसमें मैंने आलू भरे हैं। ये इससे अचार भी बनते हैं, थोड़े मिर्च रखे मैंने अचार बनाने के लिए। अचार बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और ये ऑयल गरम हो रहा है, ये यहाँ मैंने तवा चढ़ा दिया है, ठीक है। तो गाइस ये मिर्च पता नहीं कैसी बनेगी, मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा कुछ आइडिया है नहीं। तो चलिए देखते, तेल गरम हो गया तो शुरू करते हैं रेसिपी। रेसिपी क्या, बस ऐसे ही। और गाइस यहाँ मैंने चाय बना ली है, तो चलिए डालते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा पहला। ये देखिए यहाँ गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ, और ये यहाँ मेरे पकोड़े, इन्होंने कम बेसन लगा के तला, अभी ये थोड़े बेकार से हो गए, मैंने पहले बनाया। ये वाले मस्त से दिख रहा है, ओ माय गॉड। ये आप लोगों की वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पराठा जल गया, मैं मेरा वीडियो पे ध्यान था तो वो सड़ गया था, जल गया था मतलब। ये मस्त बनेगा देखिएगा। सोचा था मेथी के पराठे बनाने के लिए, बट इतना टाइम नहीं था कि मेथी छाटू और काटू, तो शाम को मैं छाट लूँगी काट लूँगी, तो कल सुबह बनेंगे। आज आलू के देखिए, देखिए ओ माय गॉड जल गई, ये देखिए मस्त बन गया ना। और ये मेरे ये भी रेडी हो रहे हैं, और ये यहाँ पति देव जी ब्रेड गर्म करने जा रहे हैं, है ना, इंग्लिश यही होती है ना। गाइस ब्रेड पकौड़ा। तो गाइस देखिए हम दोनों ने मिलके बनाया सारा नाश्ता, और ब्रेड पकोड़ा भी है रेडी मस्त। ये वाले पकोड़े भी बन गए हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा ये व्लॉग, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आ गया हो तो, मस्त सा एकदम शेयर भी कर देना, ओके। तो गाइस ब्रेकफास्ट बन गया है, अभी ये लेकर चले गए हैं अंदर, और मतलब कि टीवी देखते हुए खा रहे हैं, कर रहे हैं नाश्ता, और धुआं भरा है पूरे घर में। मैं पानी पी रही हूँ दीदी, मैंने इन्होंने बनाते बनाते एक पराठा खिला दिया, और ये मैं मक्खन से खाऊंगी बस। चलते दरवाजा खोल देती हूँ, धुआं भरा है पूरे घर में। तो आज का व्लॉग गाइस यहीं तक, पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। ठीक ही लग रहा है, ये शिमला मिर्च जैसा लग रहा है, कोई तीखा उखा नहीं, मस्त लग रहा है, आप भी ट्राई कीजिए। तो गाइस नाश्ता वास्ता कर लिया, अभी क्या करूँ, बहुत ठंड है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा। आज का मौसम देखिए, धूप तो कहीं कहीं निकली नहीं, मतलब कोसों कोसों दूर तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है, और निकलेगी भी नहीं मुझे जैसे पूरा 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 पता है, पक्का पक्का नहीं निकलने वाली धूप। और आज मैं अपना होम टूर दे दूँ क्या, ओके। ये मेरी बालकनी है, ये मेरे गमले हैं थोड़े से, ये कबाड़ रखा है, इसको सेट करूँगी किसी दिन कभी टाइम मिला। ये मेरे शूज़ हैं, ये छत पे जाने के लिए पौड़ियाँ हैं, वो नीचे जाने के लिए हैं, और ये अंदर जाने के लिए, हटो यार वो क्या है, ये मेरे पति मेरे सॉक्स पहन रहे हैं इनके नहीं मिल रहे, मेरे घर वाले जुर्राब पहन रहे, और ये आज ही फट जाएंगे देखना, ये आज ही फट जाएंगे देखना, जो भी हो तुम्हारे पैर ही ऐसे राक्षसों जैसे। तो गाइस बस आज का होम टूर इतना है, फिर अंदर का किसी और दिन दिखा दूँ, अंदर का होम टूर करा दूँ, ओके। चलो पहले मैं लाइट जलाती हूँ वॉशरूम की, वॉशरूम दिखाती पहले। गाइस ये रहा मेरा लग्जरी वॉशरूम, लैटरिंग है, दो बाल्टी है, और ये इधर कपड़े धोती हूँ, उधर हम लोग लैटरिंग करते हैं, और वो मेरे कपड़े ऊपर टंगे ना आके मैंने धोए नहीं। और बस ये मेरा लग्जरी वॉशरूम है, ये इधर रखते हैं हम लोग सामान अपना, स्किन केयर, वो फिनाइल है, हैंड वॉश है, ये सरफ है, स्किन केयर हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ यूज़ नहीं करते हैं, और वो मेरी बेटी यूज़ करती है उसको। और ये मेरी बेटी का फट्टा है बैठने वाला, ये मेरा है नहाने वाला, बस ओके गाइज ये इसको बंद कर देती हूँ, अब यहाँ से चलते हैं रूम की तरफ। ये मैं हूँ, बड़ी ठंड है, ये देखिए मेरा रूम,
ये लाइट जला दे किचन की, ये मैं पर्दा साइड कर दूँ पहले। गाइज ये रूम उधर वॉशरूम है, ये इधर किचन है। ये अभी जैसे ब्रेकफास्ट बना था, ये आटा रखा है मैंने जो बच गया था। ये ऑयल मैं अपनी बॉडी पे लगाती हूँ सरसों का, वो दो पराठे बच गए थे, बाकी वो रात का खाना है वहाँ पे। और ये मैंने आलू थोड़े से रखे हैं रात को सब्जी बनाने के लिए। ये अभी नाश्ता के बर्तन है, अभी काम तो कुछ हुआ नहीं। वो कढ़ाई है जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे। और ये मेरे हस्बैंड मेरे पैसे चोरी करते हुए, हटो दो मेरे पैसे हटो, इनके देखा हंस रहे हैं। और ये हमारा बेडरूम है गाइज, ये मैंने नीचे सब फेंका। ये आना का टेडी बियर अभी रख दूंगी उठा के, मेरा सूट है इन्होंने भी मुझे परसों दिलाया। और आना को भी एक बात बताओ, तुम सेटिंग करते हो, एक कुर्सी खाली रखा करो, कोई आ जाता पता तुम्हें, वहां पे रख दो ना, वहीं पे सारे गीले हैं सारे। ओके, ये मेरा छोटा सा मंदिर है। और ये हमारी टीवी है, ये मेरी रिंग लाइट है जिसे मैं वीडियोस बनाता हूँ। हटो मैं बताओ जी, तो यार बहुत हो गया। ये फ्रिज है, ये मेरा मिरर है, और ये मेरे बच्चे के टॉयज है। यार पहले मैं टीवी बंद करती हूँ। और ये मेरे बच्चे की अलमारी है छोटी सी, इसमें उसके सारे कपड़े हैं। और ये हमारी फैमिली फोटो। और ये मेरा बेड जिसपे हम सोते हैं। और ये है मेरा वीडियो शूट करने का पर्दा है, ब्लैक, क्या आना को मैं क्या ब्लैक बैकग्राउंड। और ये यहाँ से बस बाहर जाने का, बस यही था होम टूर। बाय, ये लो अपने पैसे। तो गाइज बस आज का व्लॉग यहीं तक है, कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी अंजू की दुनिया कैसी लगती है, और बहुत ठंड है, बहुत मुझे ठंड तो मुझे बहुत लगती है, वो गए मेरे हस्बैंड बड़ी दूर। और बस चलती हूँ सारा कुछ बंद करके, अब मैं लेटूंगी, कुछ नहीं करने वाली। ओ मेरा दरवाज़ा बंद कर लूँ, जब थोड़ी सी धूप निकलेगी तो मैं कपड़े डाल दूँगी, या फिर डाल दूँ, थोड़े थोड़े गीले हैं कपड़े, अभी डालूँगी थोड़ी देर बाद। मैं चाह रही हूँ बस, अब मेरा काम क्या है, घर सारा देखो ओके एकदम क्लीन, कुछ करना ही नहीं है। तो अब मैं लेटूंगा, फोन चलाऊंगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।